आपने बंटी और बबली फिल्म तो देखी ही होगी, जिनमें फिल्म के नायक और नायिका किस तरह से कई लोगों को झांसा देकर लूट लिया करते थे। ऐसा ही एक मामला भिलाई में भी सामने आया है, जिसमें भिलाई के बंटी और बबली कहे जाने वाले पंडा दंपत्ति द्वारा भी कई लोगों की खून पसीने की कमाई को लूट लेने का आरोप है। बंटी और बबली बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म है जो आपके जहन में अब तक होगी। इसमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ फिल्म के नायक और नायिका बड़े व्यापारियों एवं बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम लूट लिया करते थे। ठीक इसी तर्ज पर भिलाई के बंटी बबली कहे जाने वाले सेक्टर एक निवासी विजय पंडा और रश्मि पंडा ने भी भिलाई इस्पात संयंत्र से लोन दिलाने के नाम पर कई लोगों को लूटा है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा द्वारा की गई है। परंतु प्रार्थी राजनांदगांव निवासी प्रशांत मेश्राम के द्वारा शिकायत पत्र दाखिल कर FIR करवाने के बाद भी अब तक भिलाई के बंटी बबली की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये रात को नाम 728/2022 की घटना है। धारा 420/34 भादवी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रार्थी जो प्रशांत मेश्राम है, इनकी रिपोर्ट पर श्रीमती रश्मि पांडा और विजय पांडा निवासी स्मृति नगर के विरुद्ध में धारा 424/34 का अपराध दर्ज अभी किया गया है और विवेचना में लिया गया है। सर, 4 तारीख को FIR हुई है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? इसमें अभी प्रारंभिक विवेचना पर है, अभी तुरंत अभी FIR हुआ है। इसमें जो गवाहों के बयान हैं वो सब ले रहे हैं और जो बैंक के स्टेटमेंट्स हैं, इसमें प्रार्थी का बताना ये था कि प्रार्थी ने हाउजिंग इंटरप्राइजेस के नाम पर कुछ राशि निवेश की थी, बड़ी राशि निवेश की थी, जिसमें काफ़ी कुछ पैसा इनको वापस मिल भी गया है और उसमें कुछ जो पैसे 35 लाख के आसपास का जो रकम है वो रकम जो है धोखाधड़ी करते हुए इन लोगों ने आरोपी जो गण है इनके द्वारा वापस नहीं किया गया और प्रार्थी से धोखाधड़ी किया गया है। उसी के संबंध में विवेचना जारी है कि कितने पैसे स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, बैंक के जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें आना जाना मतलब पैसा ट्रांजेक्शन के संबंध में जानकारी लिया जाना बाकी है भी और प्रार्थी के अलावा जो अन्य गवाह हैं उनके कथन लिए जाने बाकी हैं। तो प्रारंभिक विवेचना पर विवेचना जैसे ही अपने को सबूत इस संबंध में मिलते हैं वहाँ पुलिस अधिकारी कार्रवाई करेगी। प्रार्थी प्रशांत मेश्राम ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई के लगभग 1 करोड़ रुपए विजय पंडा और रश्मि पंडा को व्यवसाय करने के लिए दिए थे, जिसके एवज में उन्हें उनके पैसों के साथ उन्हें कमीशन देने की बात कही गई थी। भिलाई के ये बंटी बबली सेक्टर 1 में आहूजा इंटरप्राइजेस के नाम से एक फर्म चलाते हैं, जहाँ घरेलू सामानों की बिक्री की जाती है और भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को किस्तों पर सामान उपलब्ध कराते हैं और यदि किसी को सामान नहीं चाहिए तो उसके बदले में यह अपना कमीशन काटकर बाकी की रकम नगद उपलब्ध करा देते हैं। प्रार्थी प्रशांत मेश्राम ने पंडा दंपति के कारनामों को मीडिया से साझा किया है। मेरे मित्र हैं यहाँ, धनंजय वर्मा जी हैं, उनसे ये जो घटना हुई है उनसे सुपर बाजार BSP कर्मचारियों को जो लोन देता है सुपर बाजार, उसमें इनकी फर्म है आहूजा इंटरप्राइजेस, वो रजिस्टर्ड है। आहूजा इंटरप्राइजेस के जो ओनर हैं वो श्रीमती रश्मि पांडा हैं और उनके पति विजय पांडा। तो इन दोनों का संबंध मेरे मित्र धनंजय वर्मा जी से लगभग 20 से 22 साल से है, इनके माध्यम से मेरा परिचय हुआ। अब मैं एक ये बात बताना चाह रहा था कि जो सुपर बाजार में जो लोन देते हैं कर्मचारियों को BSP, उसमें निवेश के नाम पर मुझे प्रस्तावित किया गया उनके द्वारा कि आप इसमें निवेश करिए मेरे माध्यम से, मेरे मतलब आहूजा इंटरप्राइजेस के माध्यम से। तो इसमें जो मेरे को फ़ायदा होगा मैं आपको इसमें आपको हिस्सा दूंगा फ़ायदे में से, लेकिन क्या पता था कि शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ा जाल था, जाल बिछाया जा रहा था मेरे लिए। आपने पैसे दे दिए? हाँ, उसी दौरान मैंने 2019 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 1.3 करोड़ रुपए इनके खाते में हस्तांतरित किए, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन शायद 18 बार में शायद मैंने ट्रांसफ़र किया हुआ अपने खातों के माध्यम से। उसके विरुद्ध में उन्होंने मेरे को 68 लाख रुपये खातों के माध्यम से दिया है, तो लगभग 35 लाख रुपये इनके पास लेना शेष है। क्या कहते हैं अभी वो? 2021 के बाद जब भी मैं जाने लगा उनके घर कि मेरा पैसा बचा हुआ है आप मेरे को दीजिए, अपने व्यापार के नाम से मुझसे पैसे लिए थे, तो जब भी जाता हूँ तो जो इनका जो हस्बैंड है विजय पांडा, ये तो कभी मिलते नहीं ना, फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन जिनको मैंने पैसे हस्तांतरित किए हैं आहूजा इंटरप्राइजेस को, उनकी जो ऑनर है रश्मि पांडा, इनसे मेरी बातचीत होती है, तो पहले मैंने विनम्रता से निवेदन किया, हफ्ते हफ्ते जाने लगा, फ़ोन करने लगा। उसके बाद फिर जब मैं
लगातार जाने लगा अपने मित्र के साथ, तो उन्होंने एक दो बार मेरे को धमकाया और उन्होंने कहा कि दोबारा मत आना मेरे पास, आपका पूरा पैसा दिया जा चुका है, अब अगर आएंगे तो आपको असली धाराओं में आपको मैं FIR करवा के आपको जेल में डलवा दूंगी। प्रार्थी प्रशांत मेश्राम ने भी लगभग अपने 1 करोड़ रुपए निवेश किए थे, जिसमें 68 लाख रुपए इन्हें वापस मिल चुके हैं और अब भी 35 लाख रुपए लेना बकाया है, जिसे यह पंडा दंपति से मांग मांग कर थक चुके हैं और अब पंडा दंपति की मंशा इन्हें पैसे वापस करने की नहीं दिख रही है। साथ ही पंडा दंपति द्वारा अब प्रार्थी को धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने पैसा मांगना बंद नहीं किया तो तुम पर अश्लील धाराओं के तहत मुकदमा कर देंगे। इसे सब होने के बाद फिर मैंने मित्र धनंजय वर्मा जी से कहा कि ये अब इनकी नियत लग नहीं रही पैसे देने की, तो हमको प्रशासन के पास अपने को शिकायत करनी चाहिए। तो हमारे पास जितने भी एविडेंस थे, सारे एविडेंस थे हमारे पास, हम लोगों ने एक आवेदन बना के 26/6/2022 को स्मृति नगर चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच किया, उसके बाद 4/8/2022 को इनके ऊपर FIR हुआ, 420 और एक और धारा 32 कुछ लगा इनके ऊपर, और लेकिन आज तक के पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के संबंध में पूछने पर वो बोलते हैं कि वो लोग फरार हैं, अभी खोज जारी है। सर तो कहाँ है वो लोग आपके हिसाब से? मेरा तो ये मानना है कि इनकी दुकान है अवजेंट पाजे Sector 1 में, दुकान से जो इनका जो व्यापार है सुचारू रूप से संचालित है, तो मेरा यह मानना है कि आसपास ही हैं ये लोग, फ़ोन के माध्यम से सारा ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन पुलिस खोज नहीं पा रही है। मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरा किसी से पर्सनली व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी नहीं है, मेरे जो खून पसीने की जो कमाई लगी है वो मैं पैसा वापस चाह रहा हूँ। बहरहाल सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने मामला दर्ज करते हुए धारा 420 और 36 के तहत FIR दर्ज कर ली है और विवेचना भी जारी है, परंतु भिलाई के बंटी बबली की गिरफ्तारी ना हो पाने की वजह से उनके हौसले बुलंद हैं और वह निडर होकर अब भी अपने कार्यों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। जरूरी होगा कि शासन प्रशासन ऐसे ठगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा तजवीज की जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।